बरसर उपमंडल में बंदरों ने फसलों को उजाड़ने के साथ साथ इंसानों पर भी हमला बोल दिया है। बंदरों ने नगेरड़ा गांव के 80 वर्षीय श्रवण राम पर हमला बोलकर लहूलुहान कर दिया था, जिससे श्रवण कुमार को गंभीर चोटें आई। शाम के समय श्रवण राम ने बंदरों से अपनी मक्की की फसल को बचाने के लिए खदेड़ा था, जिससे गुस्साए बंदरों के झुंड ने 80 वर्षीय श्रवण राम पर हमला कर दिया। बंदरों ने बुजुर्ग की टांग और बाजू दोनों काट खाए। घायल अवस्था में श्रवण राम को बरसर अस्पताल ले जाया गया। श्रवण राम ने बताया कि बंदरों से अपने खेत की रखवाली के लिए बंदरों को खदेड़ा गया था, जिसमें बंदरों ने उन पर हमला कर दिया। श्रवण राम ने प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से गुहार लगाई है कि इन बंदरों की समस्या का हल किया जाए। खेत में से कट गया सी, पिछे ते पै गए 3-4 कट्ठे ही, उन्होंने मैनु गिरा लिया। इस ते मैं चाहता वे कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए गवर्नमेंट से, समरजीत सिंह निवासी नगेरड़ा ने बताया कि बंदरों के आतंक से हम काफी परेशान हैं। बंदर फसलों के साथ साथ अब इंसानों पर भी हमला करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। बंदर इतने अधिक हो गए हैं जिससे फसलों की रखवाली करना मुश्किल हो गया है। हाँ जी, तो हमारी जयराम सरकार से गुजारिश है और हम उम्मीद भी करते हैं कि बंदरों से रोकथाम की जाए इनकी, और ग्रामीणों को सुरक्षा प्रदान की जाए, इसलिए कि किसानों ने खेतीबाड़ी करना बहुत कम कर दिया है। अब घरों में आकर के ये लोगों पर हमला कर रहे हैं, जख्मी कर रहे हैं। बहुत केस ऐसे पहले भी सुनने को मिल चुके हैं, और अब हमारे गांव में नगेरड़ा में ये पहला चांस है, पहला केस है कि एक वृद्ध आदमी को जिसकी उम्र 80-82 के लगभग है, घायल कर दिया बंदरों ने बुरी तरह से। तो फिर बार बार हम यही उम्मीद करते हैं और यही हम उनसे अनुरोध करते हैं जयराम सरकार से कि इनका उपाय, इनकी रोकथाम के लिए जरूरी को ठोस कदम, कड़ा कदम उठाया जाए। अंजना कुमारी ने बताया कि देर शाम मेरे ससुर 80 वर्षीय श्रवण राम पर बंदरों ने हमला कर दिया और उन काट खाया, और उन्होंने सरकार से गुहार लगाते हुए कहा कि हमें बंदरों की समस्या से निजात दिलाई जाए। बंदर अधिक होने के कारण लोगों ने खेती करना तक छोड़ दिया है। उन्होंने बताया कि बंदरों की समस्या के कारण बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। बंदर आए दिन किसी न किसी पर हमला कर रहे हैं। जो है बंदरों ने अटैक कर दिया, 3-4 बंदर पड़े और सड़क में उसे गिरा दिया और घसीटते हुए ले गए। उनसे काफी खून बह गया, उन्हें जल्दी ही हम अस्पताल ले गए, बरसर में उनका इलाज करवाया। हमें सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि इन बंदरों का जल्दी से जल्दी इलाज किया जाए, इनका कोई बंदोबस्त किया जाए।